पार्क के अंदर काफी खूबसूरत ये नजारा आप इधर से देखें। हाँ चलो चलो, वहाँ की भी वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ बने रहे मेरे भाई। दर पर तुम्हारे आए हैं खाली न भेजना, दर पर तुम्हारे आए हैं खाली। काफी खूबसूरत नजारा है, तमाम जायरीन। और अभी जो है काफी भीड़ चल रही है। वैसे तो मुझे मालूम नहीं कि उर्स के वक्त में क्या भीड़ होती है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत भीड़ है भाई। अंदर फातिहे पढ़ने के लिए जगह भी नहीं मिली थी, लेकिन एक खादिम साहब ने मुझ पर रहम किया और मैं सही सलामत फातिहे पढ़ लिया। अभी हम लोगों का सफ़र हो रहा है ढाई दिन के झोपड़े में, उसके बाद फिर देखते हैं वहाँ से कहाँ जाते हैं। बने रहे हमारे साथ। चरागे चिश्त शगे, चिश्त शगे, हालिया गरीब नलवा, बहारे अंजुमने मुस्तफा गरीब नवा। सुनो सुनो मेरे हाजत रवा, गरीब नवा, मैं दे रहा सदा पे, सदा गरीब नवा। ख्वाजा ख्वाजगा हामिये बेकसा, ख्वाजा ख्वाजगा हामिये बेकसा, इल्तिजा सुन लो शाह उमंग के लिए। ख्वाजा ख्वाजगा हामिये बेकसा, ख्वाजा ख्वाजगा हामिये बेकसा, इल्तिजा सुन लो शाह उमंग के लिए, इल्तिजा सुन लो शागे। ढाई दिन का झोपड़ा ये हमारे साथी को तो हर जगह देखिएगा, क्योंकि वीडियो भी हम ही को करना पड़ रहा। मुस्लिम कहीं पर भी वीडियो नहीं किया, मुझे ही हर जगह करना पड़ रहा। पता नहीं अब क्या बताया जाए मुझे। इल्वेट आप देखिए, और इसमें बहुत सारे अरबी वर्ड हैं भाई। सही कहूँ सही बता रहे हैं कि यहाँ आने के बाद जो है सारे लोगों से बात करने के वजह से जो है हमारी लैंग्वेज भी इन्हीं लोगों की तरह हो गई। खैर आप लोग देखिए, और इंशाल्लाह अगर तारागढ़ पहाड़ वो देखिए, तारागढ़ पहाड़ पे जाना है। हाँ वो देखिए जहाँ टावर है ना, वहीं पर। अभी मशवरा नहीं हुआ है जाना है कि नहीं जाना है, बस देखिए। और अगर वहाँ जाने का इरादा बन गया तो आप लोगों को भी वीडियो दिखा दूँगा। यहाँ का व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, एक आध फोटो भी ले देता हूँ। देखो ये नज़ारा आप इधर से देखें। ये देखिए काफी खूबसूरत सजावट है, ये कलाकारों की। भाई साहब मैं पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ। पत्थर देखेंगे तो समझ में आ गया कि अरबी वर्ड है। अरे दूर से लग रहा है अरबी वर्ड है, ये भी अरबी वर्ड है। टोटल डिजाइनिंग छह रजब को मिला ऐसा आला शरफ, छह रजब को मिला ऐसा आला शरफ, नाम ख्वाजा की धूमे मची हर तरफ, नाम ख्वाजा की धूमे मची हर तरफ, हिंद के शहर अजमेर की हर गली, हिंद
के शहर अजमेर की हर गली गुलशन ख्वाजा हिंदल बली बन गई। ख्वाजा ख्वाजा की नजर हो गई, ख्वाजा ख्वाजा की नजर हो गई, मेरी किस्मत थी बिगड़ी। काफ़ी थक चुके हैं हम लोग, बहुत देर से ही सुबह से ही घूम रहे हैं और इरादा बन गया है कि अब तारागढ़ पहाड़ पे जाएं। रास्ता नहीं है ना इधर से, तो हम लोग फिर मेन गेट से ही होकर के चले जा रहे हैं और वहाँ की भी वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ बने रहे मेरे भाई। हिंद भर में उन्हीं का है सिकारवा, उनकी रूहानी। नाज़रीन कराम, अभी हम लोग तारागढ़ पहाड़ पे जा रहे हैं। ये ड्राइवर साहब है और इन्हीं के साथ हम लोग सफ़र करेंगे, चूँकि तारागढ़ पे पैदल जाने का ही सोचे थे लेकिन कार से अभी तक गए नहीं हैं। और चूँकि कार से जाने में ये होता है कि छूट जाता है बुज़ुर्गों के दरबार जो है वो बीच में है रास्ते में। खैर इस बार इसी गाड़ी से मैं जा रहा हूँ और आप भी आएँ तो इस भाई से के साथ ज़रूर जाएँ। तारागढ़ गाड़ी से भाई मैं आगे बैठूँ। कितनी देर का रास्ता है भाई? देखो तारागढ़ जाने के बाद अपने गाड़ी है यार। चल मैं आ रहा हूँ। देखो तारागढ़ जाने के बाद अपना गाड़ी का ऑफिस है, वहाँ पहुँचने के बाद एक घंटा सवा घंटा अपनी गाड़ी वहीं रहेगी। अच्छा। गाड़ी का नंबर लिख के दूंगा, आने आने टाइम लिख के दूंगा, गाड़ी भी वहीं खड़ी रहेगी, मैं भी दूंगा। गाड़ी का भाड़ा ऑफिस में जमा के बाद ला के यही छोड़ूंगा आपको, ठीक है ना? अच्छा, मतलब क्या आप वापस लेकर के आइएगा? हाँ मैं ही लेके जाऊँगा, मैं ही लेके आऊँगा, गाड़ी भी वहीं खड़ी रहेगी सवा घंटा। 150 रुपये? हाँ, एक जने का आने जाने का 150। ये अजमेर शरीफ तारागढ़ पहाड़ का बुलंद दरवाज़ा है जो पूरे अजमेर शरीफ से दिखता है। मैं भी ट्रेन से आ रहा था और तो सफ़र में मैं जब इस पहाड़ की वादी को देखा तो ये बुलंद दरवाज़ा मुझे भी दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ हुजूर किन का दरगाह यहाँ पर है। इंशाल्लाह देखकर मैं आपको बताता हूँ। चलिए दरगाह शरीफ की तरफ चलते हैं और ज़ियारत कराते हैं आपको। हज़रत ख्वाजा सैयद मीरा हुसैन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह का यह दरगाह शरीफ है। हूबहू इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक। आप हज़रात देखें, काफ़ी ख़ूबसूरत नज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो दरख्त देख रहे हैं, ये दरख्त के बारे में बताया जाता है, इसमें गुल्लर मिलते हैं जिसमें जिसके औलाद नहीं होते हो वो अगर खाएंगे इस दरख्त का, ये इस दरख्त का अगर खाएंगे। फातिहा भी मैं करके 2-3 लेकर के आता हूँ और उसे खाने से जो है औलाद साहिब औलाद हो जाते हैं लोग। बुज़ुर्गों का दर है, उनका करम होता है और वो मस्जिद मोहम्मदी है। खैर आप आए अजमेर तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी ज़रूर आए। अगर आप बुज़ुर्ग हों तो फिर आप कार में ही आना मैं बेहतर समझता हूँ, क्यों आप अपने जिस्म को ख़राब करेंगे। लेकिन अगर आप जवान हैं तो आप पैदल ही आइए, क्योंकि रास्ते में जो है दरगाह शरीफ बहुत सारे हैं, आप सारे बुज़ुर्गों की ज़ियारत करते हुए आएंगे। आइए आगे बढ़ते। वो दरख्त है जिसका गुल्लड़ खाने से लोग साहिब औलाद होते हैं, मतलब जिसके औलाद नहीं होते हैं इसी दरख्त का खाने से गुल्लड़ बेच रहे हैं। कितने की है? हाजी है, जो आपका खुशी है, आपका खुशी पेड़ में जूट डलेगा, इसका कोई कीमत नहीं है। ये जिसे औलाद नहीं होती ना, साहिब औलाद के लिए जो है देने वाला अल्लाह है, सरकार की दुआ है। ये एक फल है, इसका नाम मरियम फल बोलते हैं। मरियम फल बोलते हैं, ये औलाद वाला फल है ना। अच्छा अच्छा दे रहे हैं, देखिए आओ वापस दे। अच्छा इसमें तरीका वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे खाना है इस फल को, तो हिंदी और उर्दू में लिखा हुआ है। इसे मैं ले लेता हूँ और अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म करें।
क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मेरे पास ज़्यादा रकम नहीं है। इंशाल्लाह मैं दो तीन चार पैकेट ही लूँगा। ये खूबसूरत नज़ारा है हजरत मीरा हुसैन सैयद मशहबी रहमतुल्लाह अलैह। दर पर तुम्हारे आए हैं खाली न भेजना, दर पर तुम्हारे आए हैं खाली न भेजना, तुम ही हो दो जहान के दाता सलाम लो, आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो, सलाम लो मेरे मौला सलाम लो। गुरबत में जिन गरीबों को आने, काफी खूबसूरत नजारा है इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के मजार मुबारक की तरह है। और यहाँ पर मैंने आराम मतलब यहाँ पर बैठकर फातिहा पढ़ा, और आप भी आए तो यहाँ साइड में जगह ले लें, क्योंकि उसके वक्त का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी आया हूँ तो यहाँ पर अभी खाली है, फातिहा आराम से बैठ कर पढ़ सकते हैं। मैंने भी वैसे ही पढ़ा और मज़ार शरीफ की ज़्यारत करें इंशाल्लाह अज़ीज़। बाहर से भी इसका मंज़र काफ़ी ख़ूबसूरत लगता है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ही हो दो जहान के दाता सलाम लो, आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो, आका सलाम लो मेरे मौला सलाम लो। गुरबत में जिन गरीबों को आने नहीं दिया, गुरबत में जिन गरीबों को आने नहीं दिया, भेजा है उन सबों ने अरीजा सलाम लो। बड़े संहार रिम झिम रिम झिम, बर संहार रिम झिम रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, नजी रुकफी नजर नजी रुकफी नजर, फाइनली हजरात हम लोग पहुंच चुके हैं आना सागर झील। ये आना सागर है, इसी आना सागर के बारे में करामत ख्वाजा करीम नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु है कि एक जब राजा के लोगों ने इस आना सागर से पानी लेने के लिए इनकार किया तो पूरा आना सागर हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के कटोरे में समा गया था। अब देखिए इतना बड़ा आना सागर है, आप लोग वाकया सुने होंगे, मैंने बस शॉर्ट में बता दिया। यहाँ का रास्ता भी काफ़ी हैरत अंगेज़ है, पत्थरों को काट करके ये रास्ता बनाया गया। चलिए ये है आना सागर में जाने के लिए टिकट है, 50 का विदेशों के लिए 300 है, मतलब कि जो बाहर कंट्री से आते हैं उनके लिए 300 है और हम लोगों के लिए ओनली 25 रुपया। खैर पहले तो ये सब भी नहीं था, फ्री में हम लोग दूर से ही देख लेते थे, बट अभी पार्क की तरह बना दिया, खूबसूरत लगता है इसीलिए। चलिए चलते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है आना सागर का। यही सब फैसिलिटियाँ अभी बढ़ गई है, यहाँ से झील भी देखिए, पार्क के अंदर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है।
हैदर कला दे लागे वो जगरा कला ले गए बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की याद गए बेशक मेरा मोइन मोहम्मद की याद गए दीवानों को किस बात का आखिर मलाल गए दीवानों को किस बात का आखिर मलाल गए राजा को अपनी प्रजा का पूरा ख्याल गए कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खाजा है राजा तो मेरा खाजा